हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये जन्माष्टमी के दिन का सुबह सुबह का टाइम था और ये कृष्ण भगवान को ये नहला के और कपड़ा चेंज कर रहे थे। और एक्चुअली मैं पूजा नहीं कर पाई तो मैं इनसे बोली कि आप कर दो। और मैं इनको पहले भी बताई हूँ, ये बिल्कुल भी पूजा कभी नहीं करते हैं और कभी करते ही नहीं हैं, लेकिन आज ये कर रहे हैं। और मैंने जैसे जैसे बोला कृष्ण भगवान को, इन्होंने कपड़ा पहना दिया। लेकिन यहाँ पर मैं अभी आई हूँ ना, तब से मैं क्लीनिंग नहीं करी हूँ क्योंकि नहीं कर सकती थी। यहाँ पे ये अगरबत्ती वगैरह बाबू भी नहा लिया है, उसके बाद उसको भी साथ में पूजा करा रहे हैं और अगरबत्ती ऐसे जला रहे हैं। पहले तो ये मतलब नहीं आता है इनको, मैं सच बताऊँ तो कभी ये पूजा स्टार्टिंग से किए ही नहीं है, लेकिन अब थोड़ा बहुत करते हैं जैसे मैं बोलती हूँ। और यहाँ पे ये अगरबत्ती जला रहे हैं और बाबू भी हाथ पकड़ा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि आप देखो हाथ से बुझा रहे हैं, मैंने फिर मना किया तो ये छोड़ दिया। पहले तो मुंह से बुझाते थे, पहले की मैं बात बता रही हूँ 6 महीने पहले, और फिर वैसे मैं मना कर देती हूँ तो ऐसे ही ना जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, बोली हाथ से ऐसे नहीं चढ़ाते हैं, ऐसे बस आप रख दो। और यहाँ पे प्रसाद वगैरह मैं इसमें काजू और किशमिश रखती हूँ प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो वैसे मैं अब ये चेंज करूँगी इसको, सब कुछ चेंज करना है मुझे, यहाँ पे अच्छी सफाई करूँगी अभी नहीं कुछ दिन बाद। उसके बाद ये दोनों लोग पूजा कर रहे थे बैठ के, पूजा में नॉर्मल पूजा, बाबू नहीं कर पाता है लेकिन उससे ये करवा रहे हैं। और मैं जन्माष्टमी के दिन का ब्लॉग जो था, ये दूसरे रूम में मेरा पूजा रूम है, उस रूम में नहीं है, ये सेकंड वाला जो रूम है ना उसमें है ये, तो इसमें का ज़्यादा मैं अभी वीडियो बनाई नहीं हूँ। और जन्माष्टमी के दिन का ब्लॉग मेरा डिलीट हो गया है, पता नहीं कैसे डिलीट हो गया, जितना है थोड़ा सा है उसको मैं इसमें ऐड कर दी हूँ, उसके बाद मैं दूसरे दिन का ब्लॉग ऐड करूँगी, पता नहीं कैसे डिलीट हो गया और मेरे से ही डिलीट हो गया। नहीं पता था कि इतनी बड़ी गलती मैं कर दूँगी और इतनी बड़ी गलती हो जाएगी और जन्माष्टमी के दिन का ब्लॉग। सो यहाँ पर बाबू पूजा कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, और जस्ट उसके बाद यहाँ पर जो भी आरती वगैरह तो नहीं किए, जैसे इनको मन किया मैंने थोड़ा बहुत बता दिया था। और उसके बाद ये लोग घंटी बजा रहे हैं बैठ के, और मुझे भी देख के जब एडिटिंग कर रही हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा था कि चलो ये थोड़ा तो पूजा करें। बाद यहाँ पे मैं बाबू को रेडी करा रही थी कृष्णा बनाने के लिए, और इनका जो मेकअप का है ना वो मैं दूसरे वाले में डाल दूँगी, थोड़ा सा है, 2 मिनट का ही है, ज़्यादा कुछ मैं मेकअप नहीं, क्रीम वगैरह कुछ नहीं लगाई हूँ, बस ड्राई वाला पाउडर लगा के मेकअप कर दी। तो इसकी वीडियो मैं डालूँगी कैसे मैं तैयार की। यहाँ पर बाबू रेडी हो चुके हैं और अच्छे से पोज दे रहे थे। फर्श बन चुका है कृष्णा, देखिए कितना क्यूट सा लग रहा है। और बाबू इधर देख लो, अब बोल दो हेलो कृष्णा बना। देखिए मेरा बाबू कितना क्यूट लग रहा है, सबका बाबू है ना। और रोटी सब्जी चाहिए बाबू को, कृष्णा बना और इसको रोटी सब्जी चाहिए। अभी मम्मा खिलाएगी आपको रोटी सब्जी, आप थोड़ा सा और फोटो खिंचा लो, ठीक है? बोलो ओके मम्मा, इधर देखे बोलो ओके मम्मा।
और बेटू यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोने लगे थे, तो मैंने इनको कलर दिया, उसके बाद थोड़ा सा माने, और उसके बाद मैंने बनाना दिया था खाने के लिए, वो खाया, उसके बाद फिर फ़ोटो क्लिक करवाए। परेशान हो गया था ये सारा कुछ पहन के, लेकिन अब मैं और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। उसके बाद मैं बोली कि चलो जितना देर खेलना है आप खेल लो इस तरीके से, और मैं आपकी फ़ोटो वगैरह क्लिक करती रहूँगी। थोड़ी सी मैंने रोबोसो पे वीडियो बनाई, बहुत अच्छी अच्छी बाबू ने वीडियो बनवाई है रोबोसो पे, और मैंने इंस्टा पे भी डाल रखी है। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं पूड़ी बनाने के लिए आई हूँ, और ये पूड़ी और मैं आज सब्जी बनाऊंगी आलू परवल की, और ये दूसरे दिन का क्लिप है। और यहाँ पे पूड़ी लगभग, क्योंकि मैंने इनसे पूछी कि आप ब्रेकफास्ट में क्या करोगे, दूसरे दिन के मॉर्निंग का क्लिप है ये। और उसके बाद सब्जी मेरी बन चुकी है, आलू परवल की सब्जी, बस मैं फ्राई कर रही हूँ पूड़ी को यहाँ पे, और काफ़ी दिनों बाद में पूड़ी बना रही हूँ। वहाँ पर मैं ससुराल में बनाई थी, लेकिन इनको काफ़ी टाइम हो चुके हैं, दही निकाल के मैंने रख दिया है रायता के लिए, और लगभग अब बन चुकी है पूड़ी। उसके बाद बस एंड उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ क्लीनिंग किचन की। वैसे तो मैं आई थी तो ऊपर तो सब पहुँच के उसके बाद ही मैं खाना बना रही थी, लेकिन थोड़ा सा डीप क्लीन करना ज़रूरी है, यहाँ पे बहुत सारे डस्ट वगैरह ना जम गए थे और वो ठीक नहीं लग रहे थे, तो फिर मैं ना टाइम ही देख रही थी, जिस दिन मेरे को टाइम मिलेगा उस दिन ये सारा कुछ काम करूँगी। तो ये सारा कुछ ब्रश से मैं क्लीन कर रही हूँ, और थोड़ी बहुत गंदगी तो जम ही गई थी, लेकिन एक बार में नहीं निकल रहा, फिर एक बार और साफ़ करूँगी तो सब अच्छे से साफ़ हो जाएगा। वॉश हो रहा है, पता नहीं फिर से बजने ना लगे कहीं, लेकिन कुछ ज्यादा आवाज हो रहा है ना। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी 11 बज रहे हैं मॉर्निंग के, और मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था 10 बजे के आसपास। मैं दिखाई थी पूड़ी बनाई थी, आलू परवल की सब्जी बनाई थी, वही सब्जी हमारा लंच के लिए भी हो जाएगा। दाल मैं मॉर्निंग बना दी, दाल बस बनाऊंगी दोपहर में, अभी नहीं बनाऊंगी, मतलब 1.5-2 घंटे बाद राइस बना दूंगी। और ये अपना भी काम कर रहे हैं हॉल में, और बाबू भी वहीं पे हैं, और जस्ट मैं थोड़े अब जा रही हूँ रूम का थोड़ा सा बेडशीट वगैरह चेंज करने, 3 दिन हो चुके हैं बेडशीट को, तो फिर मैं सोच रही हूँ कपड़े वॉश हो रहे हैं साथ ही साथ में इसको भी जाके और निकाल कर डाल देती हूँ, और दूसरा बेडशीट अभी। और ये जो ब्लॉग है, आज है 14 अगस्त, कल है 15 अगस्त, तो 15 अगस्त का ब्लॉग मैं कल बनाऊंगी अच्छे से। और मेरा जन्माष्टमी वाला जो ब्लॉग था वो थोड़ा सा लेट गया, इसलिए क्योंकि 2 दिन अब ब्लॉग्स मेरे पास थे, उसके बाद मैं थोड़ा सा लेट हो गया मेरा जन्माष्टमी वाला ब्लॉग, तो आज मैं उसको एडिट करूँगी। और बाबू को मैंने बहुत अच्छे से कपड़े उपड़े पहनाए थे जन्माष्टमी के दिन, फ़ोटो ली थी, कुछ वीडियोज़ भी मैंने डाली थी जो आप लोगों ने देखा है, वो वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बता। यहाँ पे मैं थोड़ी सी मेरे को सिलाई करनी थी, और इसके पिलो का जो कवर था ना सब मैंने निकाल के फेंक दिया, उसमें से अजीब सी स्मेल आ रही थी। और यहाँ पे मैं दूसरा पिलो कवर लगा के जो उसका रुई था उसको मैं ऐसे ये बोली कि उसको सिलाई कर दो, और बाबू भी यहीं पे था, और बस मेरे को 2 मिनट लगेगा, उसके बाद एक पिलो कवर इस बेडशीट का मिल ही नहीं रहा है, एक मिलेगा तो उसको मैं लगा दूँगी। आ गई हूँ राइस बनाने के लिए, सब्जी पे उसी प्रेशर कुकर में बना दूंगी, सब्जी निकाल दे रही हूँ बाउल में, और राइस और हम खाएंगे सब्जी इस टाइम पे, दाल नहीं बनाने वाली हूँ। क्या है? राइस स्पॉच बाबू, राइस बटन क्या है? राइस 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 आया है, राइस स्पॉच राइस बोलो, राइस देखो 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 देखिए, इसमें खुशबू आ रही है।
इसे तो अभी कुछ नहीं होगा। क्या है तो इतना नहीं अच्छा लगेगा तो वापस कर देगा हाँ पूरा पैकेट। कहाँ है दिखाओ तो। उसी में स्किप कर दे यहाँ पे तो ट्राइपॉड लगा हुआ है कैसे स्किप निकलेगा बताओ कैसे निकाले मम्मा स्किप कैसे निकाले बोलो तुम्हारा स्किट कैसे निकलेगा स्किट दे एक स्किट मिलेगा उससे ज्यादा स्किट नहीं मिलेगा आपको हुँ? दो बिस्किट बोलो थैंक यू थैंक यू पापा को दीजिए। इसको मैं वॉश करी थी ये ड्राई हो चुका है उसके बाद मैं इसको फ्रिज में सेट कर दे रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे किशमिश को ले जा रही हूँ बाबू के लिए और हम लोग भी खाएंगे थोड़ा थोड़ा तो इसको मैं पानी में भिगो दी हूँ इसको वॉश करने के बाद ही खाऊंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे बाबू को पढ़ा रही थी जो इनके होमवर्क वगैरह थे ये मैं बनवा रही थी और थोड़ा बहुत इधर उधर तो कर ही देता है लेकिन मुझे बैठ के अगर मैं बताती हूँ तो आराम से वो कर लेता है। उसके बाद जब दो पेज कर लेगा ना उसके बाद ये बदमाशी शुरू कर देता है। फिर ये जो क्लिप था मेरे से उल्टा बन गया था और मैं इधर बैग वॉश करने के बाद मैं इधर सूखने के लिए रखी थी आधा सूख चुका है लेकिन पूरा नहीं सूखा है। पोहा मटर खाना ठीक है बना दे रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला है पोहा और मटर ड्राई वाला भुनने के लिए तो मैं वो भुनने जा रही हूँ। उससे पहले यहाँ पे सोफा पे बाबू ने बहुत सारा बिस्किट खा के गिरा दिया था और बाबू को मैंने मिल्क दिया वो पीने के बाद ये इनके साथ यहाँ थोड़ा बहुत मैं उसको डांट रही थी ना तो ये पापा के पास जाके छुप गया था और उसके बाद ये कवर वगैरह सब कुछ हटा दिया था। ये तो मैं आपको हमेशा दिखाती हूँ ना ये यहाँ पे रहता ही नहीं है बस एक घंटे बिछाती हूँ एक घंटे रहता है उसके बाद फिर गायब हो जाता है। क्या करें बच्चे ना ऐसे ही करते रहते ये बोलते हैं कोई नहीं वो करता रहेगा तुम्हारा काम है ठीक करना नहीं तो फिर छोड़ दो शाम शाम को फिर ठीक करना दो बार दिन में ही ठीक करना। उसके बाद उसने मिल्क पी के रख दिया है। फिर मैं फ्रिज में आ चुकी हूँ यहाँ पर मैं देख रही थी ये जो बटर है पता नहीं कभी ये ला के रखे थे इसको इन्होंने फ्रीजर में रख दिया था वही मैं इनसे पूछ रही थी कब लेके आए और मटर में भी खोलने जा रही हूँ। जो आप खिलाएंगी वही हम खाते हैं अभी मछली नहीं खाते देखिए क्या बेटा ये पॉप को खुश बोलो हैप्पी थैंक यू मामा बोल के पा गया आप भी खाइए जो हम खिलाएंगे वो आप खाइएगा तो खाइए इसको इस डब्बे में डाल दो क्या पोहा को पोहा को पोहा का क्योंकि पैकेट नया है ना सारा डब्बा खाली खाली रखे हैं क्योंकि भर के नहीं रखे हैं फिर बोलिए अगर आप मैं खाना नहीं खाऊंगा ये था पोहा मैंने उनको लगा ना कि ये प्लेन पोहा है लेकिन इसमें कुछ ये वाला पैकेट मैंने आपको दिखाई थी ये मसाला भी है तो अभी उसके बाद पहले था कि फिर ड्राई वाला पोहा जो होता है ना भून लेती हूँ वो कर लेती हूँ उसका खा लेंगे लेकिन अब मैं बनाने जा रही हूँ पोहा। तो मटर जो था उसको मैं ऐसे भून के निकालती हूँ उसके बाद मैं पोहा बनाऊंगी तो इसमें ना सारा कुछ इसमें मेंशन है पीछे साइड में कैसे बनाना है जब पोहा को हम भिगोते हैं उसी टाइम पे जो ये मसाला इसमें दिया हुआ है दो या तीन चम्मच पोहा में ही मिक्स कर लेंगे उसके बाद जो प्रोसेस होता है नॉर्मल पोहा बनाने का
वैसे ही बनाना है। तो ये मैं ये वाला पोहा दिखा दूँ, देखिए एकदम प्लेन सा है। पहले मेरे को लगा कि कितना सॉफ्ट सॉफ्ट है, लेकिन जब इसके अंदर से पैकेट निकला तब मेरे को पता चला कि हाँ ये स्पेशली पोहा बनाने के लिए ही है। चलिए इसको मैं इसी में भी बोल लेती हूँ। दूसरा जो पोहा वॉश करने वाला है वो पता नहीं कहाँ है, तो उससे अच्छा कि मैं इसी में इसको कर ले रही हूँ। ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, नहीं तो फिर पता चलेगा अभी 6 बज गए हैं, खाना बनाऊंगी तो बोलेंगे कि खाना नहीं खाऊंगा ये वो, तो उसी वजह से चलो इतना मैं बनाती हूँ, इतना बहुत है, भी बोलने के बाद ज़्यादा हो जाएगा ये। और यहाँ हम इंजॉय कर रहे हैं शाम का नाश्ता। बीच में बाबू ने देखा जगह खाली है तो आके बैठ गए और ये उनको खिला रहे हैं पोहा। मैंने बाबू को बाउल में इसलिए दिया था ना क्योंकि वो प्लेट में देती हूँ तो गिराता रहता है अगर खुद से खाता तो, लेकिन खुद से नहीं खा रहा था, ये खिला रहे तो भी खा रहा था। और साथ में हम लोग टीवी देख रहे थे, ये रात का टाइम था। और ये जो इनका बाउल है इसमें काफ़ी ज़्यादा हवा बाबू ने निकाल दिया था, वहाँ से निकालने जो एक छोटा सा ट्यूब टाइप का दिया हुआ है वहाँ उसको खोल दिया था फिर निकल गया था। फिर मैं बोली कहीं ख़राब हो जाएगा तो आप इसमें हवा भर दो, तो इसमें ये हवा भर थे और ये फूल हो चुका है। और उसके बाद ब्लॉग को मैं ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करी, इसके बाद मैं ब्लॉग को एंड कर दूंगी। बस यहाँ पे थोड़ी बहुत मस्ती चल रही है सब लोगों की, मेरी बाबू की इनकी। और ये रूम से बोल रहे थे कि और भी बैलून में भी हवा भर देता हूँ मैं। एक ही रहने दीजिए ना आप और मुंह से आपसे अच्छा तो स्पर्श फुला देगा। ये ये उतना ज्यादा वाला नहीं है, मीडियम वाला है। स्पर्श ये क्या आवाज है? स्पर्श कौन दिया बेटा? ये स्पर्श कौन दिया है? क्या है ये? बैलून बैलून। और कौन दिया है बाबू को? पापा। क्या थे? क्या तू केक मांग रहा है? बैलून मिल गया उसके बाद इसको केक चाहिए। केक बर्थडे नहीं है बेटा, जिस दिन बर्थडे रहेगा ना आपका, बर्थडे आ रहा है तो बर्थडे आएगा तो आपको बैलून के साथ केक भी मिलेगा। ठीक है बोलो ओके मामा। बैलून मतलब केक और स्पर्श को केक बैलून के साथ केक चाहिए। या पापा के पास जाओ, स्पर्श पापा के पास जाओ। मर 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 ही नहीं रहा है वो। ऊपर स्पर्श थ्रो करो, ऊपर हैंड से थ्रो करो, ऊपर ऊपर थ्रो करो। चलिए इस ब्लॉग को मैं यही पेंट करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों के साथ कल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और कल 15 अगस्त का ब्लॉग आएगा तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर।